नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गाइडिंग सिम्टम्स की इस सीरीज में हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन्स के कुछ गाइडिंग, कुछ पिक्यूलियर सिम्टम्स के बारे में, जिनसे कि आप होम्योपैथी मेडिसिन को जान पाए, उसको समझ पाए। उसी क्रम में आज बात कर रहे हैं होम्योपैथी मेडिसिन काली कार्ब के बारे में। यह क्या मेडिसिन है, किस किंगडम की है, इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं जिसमें इस दवा का उपयोग किया जा सकता है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप अपडेटेड रहे मेरे लेटेस्ट वीडियोज के साथ में। तो बिना देरी किए इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, काली कार्ब मेडिसिन काली कार्बोनिकम एक ऐसी दवा है जो कि मिनरल किंगडम की मेडिसिन है, मिनरल से बनी होती है। इस दवा का उपयोग काफ़ी सारी इंडिकेशंस में किया जाता है। यह दवा मोटा मोटी तौर पे अगर बात करें तो विशेष करके ऐसे पेशेंट्स में अच्छा काम करती है जो पेशेंट बुजुर्ग हो, यानी कि ओल्ड एज के हो, या फिर वजन में बहुत ज़्यादा यानी कि ओबेस हो, इस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन में काली कार्ब दवा अच्छा काम करती है। यह दवा उन पेशेंट्स में भी अच्छा काम करती है जो कि सेंसिटिव टू एटमॉस्फेरिक चेंज हो, यानी कि वातावरण में थोड़ा सा भी बदलाव हो, मौसम परिवर्तन हो, जिसकी वजह से उनको तकलीफें बढ़ जाती है या तकलीफें आ जाती है, विशेष करके ठंडे मौसम से उनको प्रॉब्लम्स बढ़ती हो, तो ऐसी कंडीशन में आप काली कार्ब दवा का उपयोग कर सकते हैं। आपने विशेष करके देखा भी होगा कि जो बुजुर्ग होते हैं, जो मोटे होते हैं, थोड़े से वजन में ज़्यादा होते हैं, उनको ठंड से सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है या मौसम परिवर्तन उनसे सहन नहीं हो पाता है, तो इस प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन में इस दवा का उपयोग बहुत ही ज़्यादा कारगर है। ऐसे पेशेंट्स जिनको कि सूजन की समस्या यानी बार बार स्वेलिंग्स बॉडी पे आ जाती है, बार बार कहीं पे किसी बॉडी पार्ट में सूजन आ जाती है, पैरालिसिस के जो पेशेंट है, पसीना जिनको ज़्यादा आता है, कमर दर्द के जो पेशेंट है, जो बहुत ज़्यादा वीरी है, थके हुए हैं, जिनको थकान कमजोरी जैसे लक्षण आते रहते हैं, और मोस्टली ये लक्षण जो हम लोग देखते हैं कि ओल्ड एज में ये लक्षण ज़्यादा आते हैं, तो अगर इस प्रकार के लक्षण भी आ रहे हैं तो यह सारे लक्षणों को ठीक करने में काली कार्ब मेडिसिन सक्षम है। ऐसे पेशेंट्स जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म के हैं, यानी कि मरीज का TSH लेवल अगर बढ़ा हुआ है और प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे मरीज जो कि कॉक्साइटिस के हैं, यानी कि उनको हिप जॉइंट का इन्फ्लेमेशन है, हिप जॉइंट में सूजन, दर्द और इस प्रकार के लक्षण आ रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से अगर इस प्रकार की समस्या झेल रहे हैं तो काली कार्ब दवा आपको मदद कर सकती है। ऐसे पेशेंट्स जिनको कि माइग्रेन है, और माइग्रेन भी पिक्यूलर टाइप का कि आपको उबासी आएगी, योनिंग होगा और उसके तुरंत बाद हेडेक स्टार्ट हो जाएगा, इस प्रकार का अगर पिक्यूलियर हेडेक है और साथ में नोजिया यानी कि उल्टी जैसा महसूस होता है, विशेष करके जैसे कॉक्युलस के पेशेंट को गाड़ी में बैठने से, मूविंग कैरेज में बैठने से उसको प्रॉब्लम होती है, तो उसी प्रकार से इस प्रकार के काली कार्ब के पेशेंट को भी मोशन सिकनेस की समस्या रहती है, मूवमेंट से उसको नौजिया बढ़ जाता है, तो इस प्रकार के लक्षणों में भी काली कार्ब दवा का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे मरीज जिनको कि हेयर ड्राइनेस है, यानी कि बाल बहुत ही ज़्यादा रूखे सूखे हैं और बालों का झड़ना निरंतर जारी है, तो ऐसी कंडीशन में भी काली कार्ब दवा का उपयोग किया जा सकता है। पेशेंट्स जिनको कि अपर लिड में यानी कि ऊपर की जो पलके हैं इसके ऊपर अगर स्वेलिंग देखने को मिले अपर आई लिड में और इस प्रकार का लक्षण है तो भी काली कार्ब दवा का उपयोग किया जा सकता है। अगर पेशेंट को सुबह सुबह पलके चिपक जाती है, आई लिड्स आपस में स्टिक हो जाती है इन्फेक्शन की वजह से, तो ऐसी कंडीशन में भी इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। पेशेंट को अगर आँखों के बीच में यानी पर्टिकुलर इस एरिया में ग्लेबेला रीजन बोला जाता है, इस एरिया में अगर स्वेलिंग है तो इसको भी रिजोल्व करने में काली कार्ब दवा सक्षम है। पेशेंट को गर्म कमरे में यानी कि अगर हॉट एनवायरनमेंट है तो उसमें पेशेंट का नाक बंद हो जाता है, स्टफी नोज हो जाता है, तो इस प्रकार की कंडीशन में भी इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। पेशेंट को जो गले में कफ गिरता है वो विशेष करके पीले कलर का है, पेशेंट आके बोलता है कि मुझे गले में पीछे की तरफ में ऐसा महसूस होता है कि कफ गिर रहा है, ऐसा जो कंडीशन है वो विशेष करके एलर्जिक राइनाइटिस के केस में, साइनोसाइटिस के केस में भी देखने को मिलता है,
तो इस प्रकार के केसेस में अगर कफ पीछे गले में गिरता हो और येलो कलर का डिस्चार्ज हो तो ऐसी कंडीशन में भी काली कफ दवा मदद कर सकती है। अगर ओल्ड एज में आपको फ्लैचुलेंस यानी कि गैस की समस्या, पेट फूलने की समस्या, इनडाइजेशन की समस्या है तो ऐसी कंडीशन में भी यह दवा मदद करती है। क्रोनिक लीवर डिजीज में यानी कि अगर आपको लंबे समय से फैटी लीवर या लीवर से संबंधित कोई डिस्टर्बेंस चल रहा है जो कि रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो भी काली काप दवा का उपयोग किया जा सकता है। पेशेंट को हेमरॉइड यानी कि पाइल्स की समस्या रहती है, उसके साथ में एनल एरिया कि आसपास में बड़ी बड़ी जो आपको फुंसियाँ देखने को मिलेगी, बड़े बड़े पिंपल्स आपको देखने को मिलते हैं और इन पेशेंट्स को प्रोलैप्स बहुत जल्दी हो जाता है यानी कि गुदा द्वार में से गुदा थोड़ी सी बाहर आ जाती है, बाहर की और लटक जाती है, अगर इस प्रकार का सिम्टम भी देखने को मिले तो काली काप मेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है। पेशेंट को यूरिन के लिए बार बार रात को उठना पड़ता है, नॉक्टर्नल जो एन्यूरेसिस की समस्या है, रात में पेशाब की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाने की समस्या है, उसको भी इस दवा से रिजॉल्व किया जा सकता है। पेशेंट की होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है, जैसा आप ओल्ड एज में देखते हैं कि पेशेंट को खांसने से, छींकने से यूरिन इनवॉलेंटरीली पास आउट हो जाता है, निकल जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको काली काप दवा मदद कर सकती है। ऐसी महिलाएं जिनको कि पीरियड लेट से आते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं और उसके साथ में उनको चेस्ट के सिम्टम यानी कि चेस्ट में पानी भर जाना, हाइड्रोथोरेक्स की समस्या या फिर असाइटिस की समस्या यानी कि सूजन पूरे एब्डोमिनल एरिया में आ जाती है तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस दवा का उपयोग करके इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। डिसमेनोरिया के जो पेशेंट यानी कि पेनफुल मेंसेस यानी पीरियड के दौरान दर्द ज़्यादा होता हो, ऐसी महिलाएं जिनको कि विशेष करके बैठने से, एक जगह पे सिटिंग देने से आराम मिलता हो लक्षणों में, प्रेशर देने से यानी जोर दे के दबाने से भी अगर आराम मिलता हो तो ऐसी कंडीशन में भी काली काप दवा का उपयोग किया जा सकता है। ब्रोंकाइटिस के केस में, अस्थमा के केस में या खांसी यानी कफ के साथ में अगर रिलैक्स यूवेला है यानी कि गले में आपके जो पीछे की तरफ एक घंटी जैसी संरचना है, यूवेला बोलते हैं, अगर वो रिलैक्स हो गया है, नीचे टंग पे टच हो रहा है, जीभ पे टच होने लग गया है तो ऐसी कंडीशन में भी काली काप दवा का उपयोग किया जा सकता है। कमर दर्द के केसेस यानी बैकएक के केसेस जिनमें कमर से लेकर थाई तक आपको जांघों तक अगर दर्द जाता हो, रेडिएट करता हो तो ऐसी कंडीशन में भी यह दवा मदद कर सकती है। ऐसे पेशेंट्स कई बार क्लिनिक में आके बोलते हैं कि मेरे हाथ पांव बहुत जल्दी सुन पड़ जाते हैं, बार बार सुन पड़ जाते हैं, नंबनेस आ जाती है तो ऐसी कंडीशन में भी काली काप दवा मदद कर सकती है। ऐसे मरीज जिनको की नींद डिस्टर्ब रहती है, रात को 2 बजे के बाद में उनको पर्टिकुलर नींद नहीं आती है, 2 बजे तक ही वो सोते हैं, उसके बाद में उनको अपने आप ही नींद खुल जाती है और वो वापस कितना भी कोशिश कर ले नींद नहीं आती, तो अगर इस प्रकार का पिक्यूलर लक्षण देखने को मिले तो भी यह दवा आपको मदद कर सकती है। चमड़ी में अगर स्किन की बात करें तो पेशेंट को स्किन पर जलन होती है और जलन इस प्रकार की होती है जैसे किसी ने वहाँ पे सरसों का पाउडर लगा दिया हो, सरसों का प्लास्टर वहाँ पे बांध दिया हो, इस प्रकार की अगर बर्निंग देखने को मिले, जलन देखने को मिले चमड़ी में किसी भी प्रकार के रोग में तो काली काप दवा का उपयोग किया जा सकता है। काली काप के पेशेंट की अगर ओवरऑल मोडलिटी की बात करें तो यह पेशेंट कोल्ड वेदर में, ठंडे मौसम में तकलीफ़ें इनकी बढ़ जाती है, कॉफ़ी से इनकी तकलीफ़ें बढ़ जाती है, सूप पीने से तकलीफ़ें बढ़ जाती है, 3 बजे के आसपास सुबह या 2 बजे के आसपास इनको तकलीफ़ बढ़ जाती है और ये जो तकलीफ़ें हैं ये लेफ़्ट साइड में सोने से यानी कि लेफ़्ट साइड की करवट लेने से बढ़ती है, अग्रवेशन होता है। इस प्रकार का लक्षण अगर देखने को मिले तो भी इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। काली काप के जो पेशेंट्स हैं अगर ओवरऑल उनकी बात की जाए तो उनको वार्म वेदर में यानी कि गर्म मौसम में आराम मिलता है और ऐसे पेशेंट्स जो कि ओल्ड एज के हैं, जीरेटिक है, उनमें आपने कॉमनली इस प्रकार की समस्या देखी होगी कि उनको ये लगभग सारे लक्षण आप देखने को मिल सकते हैं। आप ऐसा कई बार नोटिस करेंगे कि ओल्ड एज के जितने भी पेशेंट क्लिनिक में आते हैं या ओल्ड एज के जितने भी पेशेंट्स होते हैं, बुजुर्ग जो घर में होते हैं, वो आपको इस प्रकार के लक्षण ज़रूर ज़रूर कहीं ना कहीं मेंशन करते रहते हैं। तो कुल मिला के यह दवा ओल्ड एज के पेशेंट्स को रिलीव करने में, उनके सारे छोटे छोटे लक्षणों को ठीक करने में कारगर है
और पूरी तरह से सक्षम है। इस दवा का उपयोग ज़्यादातर 30, 200 और 1 mg पावर में किया जाता है और बाकी डिपेंड करता है कि पेशेंट किस प्रकार का है, पेशेंट की क्या सेंसिटिविटी, क्या ससेप्टिबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन की डोजेज, उसकी पावर भी बदलती रहती है। तो अच्छा होगा कि अगर आपको इस प्रकार के लक्षण हैं तो आप नज़दीकी होम्योपैथी चिकित्सक से सलाह ज़रूर करें, उससे प्रॉपर एडवाइस लेके कंसल्टेशन लेकर ही इलाज को शुरू करें। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई यह इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।